नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मारवाड़ी युवा फाउंडेशन के तत्वाधान में कोरोना से बचाव के लिए मामूरगंज स्थित परमेश्वर नगर कॉलोनी में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। एक बार पहन लीजिए। काका नमस्ते, ठीक है? पानी भर लो। ये मैमूरगंज स्थित प्रथम रेसिडेंसी में सैनिटाइजेशन का कार्य अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। सारे पिलर्स करो, पिलर्स लेना
साइड साइड भी करते रहो। अंदर हो जाएगी मटर की थोड़ा सा। अब सामने आ रहा। अपना परिचय बताएं। मैं मोहित बाजोरिया, सचिव मारवाड़ी युवा फाउंडेशन। आज किस तरह का ये प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग शहर को सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया है हमने पिछले हफ्ते से। हर शनिवार रविवार को हम लोग अपनी संस्था के बैनर तले इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और चाहते हैं कि शहर की समस्त संस्थाएं इस कार्य के लिए आगे आएं और सैनिटाइज करें, जिससे इस महामारी से हम लोग लड़ सकें और लोगों को जागरूक कर सकें। साथ ही साथ इसके साथ हम लोग जो भी व्यक्ति बिना मास्क के हम लोग को दिख रहे हैं, उनको हम लोग मास्क का वितरण भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस महामारी से कैसे लड़ा जाए और सुरक्षित रहा जाए। दिन ब दिन महामारी बढ़ रही है, क्या कितना सोशल डिफरेंस का पालन आप लोग करवा रहे हैं लोगों से और क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता के लिए? जैसा कि आज सरकार की मुहिम है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो। आज सामाजिक तौर पे हम लोग को एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे हिसाब से उचित नहीं है इसको कहना है, इसके लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड ही ज्यादा उचित रहेगा। आज कहाँ कहाँ आप लोगों ने ये अभियान चलाया है? आज हम लोग ने परमेश्वर नगर कॉलोनी, महमूरगंज, तुलसीपुर, बिरदोपुर, हर जगह पे ये अभियान चलाया है और हर हफ्ते हम लोग शनिवार रविवार को ये अभियान चलाएं। ये अभियान कब से चालू हुआ है, कब समाप्त होगा? पिछले हफ्ते ये रविवार से चालू हुआ है और जब तक ये महामारी का प्रकोप है तब तक ये कार्यक्रम हम लोग करते आएंगे।